बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था सीटी का पेपर जो कि आज हुआ है डीआई खान डिवीजन में। इसका पार्ट नंबर वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इस वक्त पार्ट नंबर सेकंड अपलोड कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो नंबर वन में आप दोस्तों को बताया था कि मुझे सिर्फ दो पेजेस मिले हैं, अभी तक किसी दोस्त ने कोई और मजीद पेजेस शेयर नहीं की हैं। अगर किसी के पास कोई भी पेजेस हों तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि पूरे पेपर को हम कंप्लीट करें, पूरे पेपर को हम अपलोड कर लें। आज शुरू करने से पहले वीडियो नंबर एक में दो मिस्टेक्स थे जो कि रीडेबल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 68 दिस वन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पोर्टेंट टर्निंग प्वाइंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडू पाक। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, कैबिनेट मिशन। ये 9th पाक स्टडी बुक पेज नंबर 25 में है, चेक कर लें दोस्तों इसको। बुक 9th क्लास की बुक है पाक स्टडी का, पेज नंबर 25। अकॉर्डिंग टू अ व्यूअर, एक व्यूअर ने इसी तरह मुझे लिख कर सेंड कर दिया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 74 जो कि अनरीडेबल था, ये एक्चुअली ये पहला लफज मैं समझ नहीं रहा था मेरा ख्याल, तो ये लिखा हुआ है कि उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसी तौर पर कुरान मजीद में उम्मत वस्त कहा गया है। उम्मत वस्त ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये दो करेक्शन वीडियो नंबर वन में कर ले। आज शुरू करते हैं पेज नंबर, आखिरी पेज है 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 86 से। ये 86 नंबर क्वेश्चन भी मुझे मिस्टेक नजरा। हज के फराइज, हज के तीन फराइज हैं, एक एहराम बांधना और नियत करना, ये दोनों एक में आता है, याद रखिए एहराम बांधना और नियत करना उसके साथ, ये एक फर्ज हो गया हज का। दूसरा वकूफ अरफात, अरफात में जाना, अरफात के मैदान में थोड़ा सा टाइम गुजारना लेकिन लाजिमी जाना वहां, वो जोहर से मगरिब तक वो टाइम होता है टोटल, उसके हुदूद से बाहर न निकलना, उसके हुदूद में रहना, दो हो गया। और तीसरे नंबर पर जो है तवाफ ज़ियारत, जब हज के आयाम खत्म हो जाते हैं 9, 10, 11, ठीक है, शैतान को कंकरियां मार दी जाती है, कुर्बानी की जाती है, तो उसके फौरन बाद तवाफ किया जाता है जिसको तवाफ ज़ियारत कहते हैं, और ये भी फर्ज है। तो इस लिहाज के आज के फराइज तीन है, ये हनफिया के नजदीक, एक दूसरी जगह पर 6 लिखा हुआ है लेकिन मैं कहता हूं कि हज के फराइज तीन है। बहरहाल इसको जरा चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 87 देखे, 87 रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा मखफिरत का होता है, पहला रहमत, दूसरा मखफिरत, तीसरा जहन्नम से निजात दिलाने वाला। और क्वेश्चन नंबर 88 अजवाजी मुतहिरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में सबसे ज्यादा परासत और दानिशमंदी के लिए मशहूर थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन को, इन ग्रेन सीड्स द नंबर ऑफ कॉटिलिडियंस इज 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 91 द एरिया ऑफ स्क्वेयर फील्ड इज 9216 मीटर स्क्वेयर, इट्स पेरीमीटर इज, तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसका स्क्वेयर रूट मालूम करना है, क्योंकि एरिया जो है एरिया स्क्वेयर रूट, इसका एरिया बराबर है ए स्क्वेयर के, ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर और ये बराबर है 9216 के, तो
9216 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो ये 96 बनेगा, 96। अब पीरीमीटर जो है दोस्तों, पीरीमीटर इज इक्वल टू 4a, 4a, तो ये एक साइड हो गया, ठीक है। तो इसको चार से अगर आप जरा दोगे तो आपको ऑप्शन डी नजर आएगा, 384 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 92 नंबर देखे, द सैंबल, ये सैंबल जो है ना ये रेडिकल के लिए इस्तेमाल होता है, रेडिकल सैंबल कहते हैं इसको, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 93 जो है ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ए इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी 60, फाइंड एंगल ए। तो जरा देखिए इसको, मैं यहां पर देख करा लेता हूं। यहां पर कहते हैं कि ए इज इक्वल टू, ए जो बराबर है 3a का, ठीक है, ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, ए बराबर है बी के 3 टाइम्स, 3b हो जाएगा ये 3b। यहां पर हम बी के पहले मालूम करते हैं तो बी विल बी इक्वल टू, बी बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये हो गया ए डिवाइडेड बाय 3। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के तमाम एंगल 180 के बराबर होते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू 180, ए हमें दिया गया है 60 है, ए क्या है 60 है, बी की वैल्यू ए बटा 3 है, ए बटा 3, ए बटा 3, सॉरी ये 60 जो है ये सी की वैल्यू है, बी की नहीं, ये गलती हो गई, ये 60 जो है ना ये सी की वैल्यू है, और इसके साथ जमा करें ए, ये ऐसा होना चाहिए था, यहां पर ए लिख लेते और वहां पर सी लिखते, कोई बात नहीं, इस तरह भी ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा 180। अब इसमें से ए की वैल्यू निकालना है, ये 60 जो है ये सी है, ये 1/3 जो है ये बी है और ये ए है। अब इसको क्या करना है, 3 को सब तमाम साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 60 को मल्टीप्लाई करें ये 180 आ जाएगा, जमा ये ए रह जाएगा और ये 3 ए हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 4a, 4a। 180 को 3 से ज़रब दे दो, 540 आएगा, हो जाएगा 540, क्या हो जाएगा ये 540 हो जाएगा। अब 540 में से 181 को माइनस करें और उसको फिर क्या करें, 4 पे डिवाइड करें, तो आपको ऑप्शन सी नजर आएगा, 90। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, बाकी इसको खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, इफ टेंजेंट थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेटिक इन विच थीटा लाइज। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्वाड्रेंट 4। 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 95 नंबर, आर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² y² तो 2 और 2 4, ऑप्शन डी है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मोहम्मद रफीक तारर वॉज चूजन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाई मुस्लिम लीग, ये 1998 से 2001 तक था। क्वेश्चन नंबर 97 देखे, 97 बिफोर 14 अमेंडमेंट, 14 अमेंडमेंट ये जुलाई 1997 में हुआ था, जुलाई 1997 में, उस वक्त सैयद सजाद अली शाह जो थे वो चीफ जस्टिस थे ऑफ पाकिस्तान। 98 नंबर क्वेश्चन देखे, 98 द मुगल एम्पायर फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 और ये 1857 में इसका अहतमाम हुआ था, ऑप्शन डी है। 99 नंबर क्वेश्चन, पिराग गौर कपूरी का असल नाम होता
रघुपति सहाय, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत सुलहा भी बेकार भी, सुलहा भी और बेकार भी, ये तजाद इस्तेमाल हुआ है यहां पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतने ही पेजेस मिले थे दोस्तों, बाकी पेजेस मिलेंगे तो उसको इंशाल्लाह ताला जैसे ही पेजेस मिलते हैं उनको मैं अपलोड करूंगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।